सरस्वत्यै नमः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ॐ समस्त जनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं तो कल देखे थे हम कि इस प्रकार विपश्चित किस प्रकार जैसे पहले बताए गए श्लोकों के अनुसार विपश्चित ज्ञानी पंडितः साधक विपश्चित वाइज मैन क्या करना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति सदसत विभज्य सत और असत का विभजन करके अलग करके प्रकृति पुरुष माया और ब्रह्म आत्मा अनात्मा ठीक है और सत असत माने सत माने ब्रह्म असत माने नाम रूपात्मकम इदम सर्वम मिथ्या रूपम जगत इसका विभजन करके तत्त्वम निश्चित्य निजबोध दृष्टिया ज्ञान चक्षुषा तत्त्वम निश्चित्य हैविंग कम टू अ फर्म कंक्लूजन अबाउट द एसेंस ऑफ द रियलिटी थ्रू ज्ञान चक्षु आई ऑफ विजडम ज्ञात्वा स्वम आत्मानम अखंड बोधम अखंड आत्मस्वरूप का बोध करके तेभ्यो विमुक्तः स्वयमेव शाम्यति प्रकृति से मुक्ति पाकर प्रकृति के विक्षेपों से विकल्पों से मुक्ति पाकर स्वयमेव शाम्यति शाम्यति माने एक अद्भुत शांति का अनुभव शांति हम हमारी जो शांति है कभी मिलती है कभी छूट जाती है हमारी शांति का आधार क्या है अनुभव वस्तु का वस्तु अनुभव हमें जो चाहते वो मिल गए या नहीं तो हमें कोई दुख नहीं होता शांत वो ऐसी शांति नहीं है स्वरूपतः शांति स्वरूप के अनुसार शांति का हमारा जो स्वरूप है शांति स्वरूप है तो उस शांति स्वरूप का अनुभव हो जाता है ठीक है अब हम आगे देखेंगे अज्ञान हृदय ग्रंथे निशे निशेष विलयस्तदा समाधिना विकल्पेन यदा द्वैतात्मदर्शनम् अज्ञान हृदय ग्रंथे निशेष विलयस्तदा समाधिना विकल्पेन यदा द्वैतात्मदर्शनम् यदा
दूसरी लाइन पहले पढ़ना है, पहले पंक्ति बाद में पढ़ना है, ठीक है। अब यदा, यदा माने वेन, तदा माने देन, यदा तदा आ गया ना, पहले दूसरी पंक्ति में तो यदा, पहली पंक्ति में तदा। यदा माने जब, तदा माने तब, जब ये तब वो। जब क्या है, अविकल्पेन समाधिना, समाधि के द्वारा, समाधि अविकल्प समाधि, अविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि, ठीक है। देखिए पंचदशी जब पढ़ेंगे ना, ये सब विचारें आ जाएंगे, कहाँ आएंगे मुझे पता नहीं, मगर उसमें आएंगे, क्योंकि याद नहीं है मुझे कहाँ आता है, क्योंकि विद्यारण्य मुनि वहाँ पे बताते हैं कि निर्विकल्प समाधि अभ्यास का मतलब क्या है। वेदांत में हम वृत्ति शून्य स्थिति को मानते नहीं, वो तो जड़ है। माने वृत्ति के बिना जड़ समाधि लगाए ऐसी समाधि वेदांत के, वेदांत मानते नहीं, मानती नहीं वेदांत। कि वेदांत क्या करता है, ऐसी समाधि मानता नहीं, ठीक है। कौन सी समाधि, समाधि का मतलब हमारा मतलब में या समझ में समाधि का मतलब क्या है, सारे वृत्तियां बंद हो गई और कहीं गए और कुछ भोग रहे अलग एकांत में। उस जड़ समाधि को हम वेदांत में ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो समाधि माने अब्सॉर्प्शन, किसमें अब्सॉर्प्शन, अपने स्वरूप में, आत्मा में, ठीक है। और विधान क्या है, विधान यही है कि निधिध्यासन के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा समाधि अभ्यास। तो निर्विकल्प समाधि माने जब सारे विकल्प बंद हो जाते हैं, मैं ऐसे कुछ भोगता हूं ऐसे विचार नहीं है। तो एक ही वृत्ति को हम रखते हैं और अपना स्वरूप का अनुभव होता है इसके द्वारा। तो इस विश्लेषण अभी मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूं। तो निधिध्यासन अभ्यास, निधिध्यासन के द्वारा ये निर्विकल्प, बाकी सारे विकल्प बंद हो जाते हैं, केवल अहम ब्रह्मास्मि, नित्योहम, बुद्धियोहम, बुद्ध मने अवेकेंड, ऐसी एक विचार रह जाती है, ठीक है। अब देखिए निधिध्यासन का मतलब क्या है, इसका अनेक रूप है निधिध्यासन का। निधिध्यासन माने एब्जॉर्प्शन इन द थॉट, ऐसा समझ लो, थॉट ऑफ डिवाइन माने एक चिंतन, चिंतन को पार करके एक ही वृत्ति में, भाव में निरंतर डोलते रहना, निरंतर अपने आप को डुबा के उसमें रखना, ठीक है, निधिध्यासन हुआ। इसका अनेक रूप है, तो दो तीन मैं बता देता हूँ आपको। निधिध्यासन का मतलब क्या है, सबसे पहला एक रूप, अनेक रूप मैंने बताया ना, एक रूप निधिध्यासन का अभ्यास, निधिध्यासन का अभ्यास का पहला रूप क्या है, व्यवहार में सजग रहना। किस आधार पर, वेदांत की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से, व्यवहार में सजग रहना, अपना बर्ताव, अपना व्यवहार, अपना बोलचाल, अपना काम करने का विधान, इन सब पर एक लगन, एक ध्यान टूटे बिना रखना। कब रख सकते हो, जब निरंतर बैकग्राउंड में पीछे व्यवहार, मन और बुद्धि आगे व्यवहार तो कर रहा है, मगर इन दोनों के पीछे इसका ध्यान है, इसका ये मैं स्वरूप हूँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ, इसीलिए ये व्यवहार में फंसना नहीं चाहिए।
मैंने एक बात कही थी ना कल, क्या कहा मैंने, एक मंत्र दिया था ना, एक महात्मा जी का मंत्र अंग्रेजी में, हाँ, अवेकेंड न्यूट्रैलिटी। इसका मतलब क्या है कि सजग रहना, और ये खींचते हैं ना, मन खींचता है, कभी कभी मन खींचने पर हम मन के साथ चले जाते हैं, बुद्धि खींचती है तो बुद्धि के साथ चले जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। अपने आप को भूले बिना, तत्व को भूले बिना सजग रहना, ये एक निधिध्यासन का पहला रूप, पहला रूप ये, ठीक है। आप ये याद रखिएगा, अवेकेंड न्यूट्रलिटी, एकदम मन कांटे जैसे बीच में पड़ जाता है, किसी एक पक्ष ले रहे हैं, आपका मन एक और खींच रहा है। जब ये मंत्र याद रखो, इज गिवन बाय टिबेटन मास्टर, ग्रेट मास्टर, बोलते एक ही दो ही पद, अवेकेंड सजग रहना, न्यूट्रल रहना। माने भगवान शंकराचार्य कहते हैं भाष्य में, उदासीन का मतलब, उदासीन ही इसका अर्थ, उदासीन का मतलब क्या है, कहते हैं केनचित पक्षन न भजते, किसी का पक्ष ले नहीं लेता। ये किसी का पक्ष मत, किसी रिलीजन के पक्ष में, किसी व्यक्ति के अभिप्राय के, किसी के पक्ष नहीं लेते हैं। मैं तो अपने स्थान पर बैठा हूं, मैं, मुझे कोई अनुभव या कोई संगठन खींचा नहीं जा सकता नीचे। एक और अंडरस्टैंडिंग, ये है पहला रूप, किसका रूप, निधिध्यासन का। ये कब संभव है, उनको भूले बिना व्यवहार करने से। बात हो रही है, बात होती है, हंसते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, व्यवहार करते हैं, शॉपिंग भी चले जाते हैं, साबुन भी खरीद लेते हैं, सब कुछ खरीद लेते हैं, मगर इसको भूले बिना, ये एक है निधिध्यासन अभ्यास, ठीक है। दूसरा है इसका अभ्यास, निधिध्यासन का दूसरा माने दूसरा रूप, निधिध्यासन का दूसरा रूप, हाँ, शास्त्र के साथ संपर्क में रहना। और जितना आप सांसारिक झंझटों से मुक्त पा लेते हैं मुक्ति, उतना आपको समय मिलेगा शास्त्र के, शास्त्र का चिंतन, शास्त्र सुनना, शास्त्र पर प्रवचन करना, शास्त्र सुनना, शास्त्र पढ़ना, शास्त्र पर चर्चा करना, ये सब निधिध्यासन का दूसरा रूप। निधिध्यासन इज ट्रांसलेटेड एज मेडिटेशन, ऐसा नहीं होता है। मेडिटेशन हम सुनते ही हम सोचते कोने बैठ जाना, ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो जिसका मन पहले सजग रहकर व्यवहार में, इनके याद में, तत्व के याद में रहना पहला रूप हुआ, न तो निरंतर शास्त्र के द्वारा शास्त्र पठनम, शास्त्र श्रवणम, शास्त्र वचनम, शास्त्र चर्चा, हो गया ना बात है, न तो बोलते हैं, न तो सुनते हैं, न तो पढ़ते हैं, न तो लिखते हैं, या न तो चर्चा करते हैं, सभी मार्गों से उनका याद, उनका माने ईश्वर का, परमात्मा का चिंतन, ये दूसरा रूप हो गए, ठीक है। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम को क्यों अपनाना है हम सब लोगों को, इसलिए कि ज्यादा समय मिलता है। सन्यासी के लिए और भी ज्यादा समय, सन्यासी क्या करता है, उठेगा शास्त्र का चिंतन से, शास्त्र पर सोचता है, आज क्या पढ़ना है, आज किस किस पर चिंतन करना है, या किस पर प्रवचन देना है, और क्या ध्यान करना है, किस वाक्य पर ध्यान करना है, लगातार इस महात्मा जी ने इसे कहा, उस महात्मा जी ने इसे कहा, और कोई किसी से मिला, यही चिंतन, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम,
ये दूसरा रूप हो गया। तीसरा क्या है, ये है तीसरा अभ्यास। महात्मा लोग कहते हैं, एक महात्मा जी का विचार है, यदि दूसरे मार्ग के द्वारा, शास्त्र चिंतन के द्वारा, माने शास्त्र के साथ संपर्क रहने मात्र से यदि आपका मन अंतर्मुख हो गया हो, तो और कोई विशेष रूप से आपको कोई साधना जरूरत नहीं है। क्योंकि मन बुद्धि अंतर्मुख होते जा रहा है, सो अननोइंगली और नोइंगली यू आर एक्चुअली लिविंग इन द डिवाइन कॉन्शियसनेस ओनली। और आप देखिए, ये आवृत्त, जैसे आवृत्त, आवृत्त माने सर्कल, वृत्तम। आओ देखिए, वो बाहर आप खड़े हैं, अंदर प्रदक्षिणा करते जाओ, एक एक बार चक्कर काटने के बाद दूसरे चक्कर अंदर से चला गया, तो अंदर गया, तीसरा चक्कर और भी अंदर गया, चौथा चक्कर और भी अंदर गया, ऐसा घूमते 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 केंद्र के और नज़दीक जाते रहते हैं, है ना। इसी तरह शास्त्र में, शास्त्र पर चिंतन करना, शास्त्र पर सोचना, शास्त्रों का अध्ययन करना, श्रवण करना, मनन करना, ये सब करते 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 निधिध्यासन हो गए। और ये दोनों के बाद तीसरा रूप है, विशेषतः, विशेषतः क्योंकि कहा जा रहा है कि कहीं लोग ये कहते हैं कि हमने बहुत सुना है, बहुत श्रवण किया, अच्छा हम सत्संग किए, अच्छा है, कहीं कैंप अटेंड कर चुके हैं, बढ़िया है। स्वामी जी, जब सब कुछ ठीक है, वेदांत का चिंतन हो रहा है, अचानक कुछ कष्ट हुआ, जितना भी पकड़ो, मन मेरा बात नहीं मानता, वो विक्षेप में रह ही जाता है, आप जितना भी कोशिश करो, हम ब्रह्मास्मि बोलो, काम नहीं चलेगा, ये मिथ्या समझ याद कराओ, काम नहीं चलेगा। ऐसा क्यों होता है? कोई मर गए नज़दीक आदमी, कोई व्यक्ति अपना नज़दीक वाला, तुरंत मन विक्षेप में पड़ जाता है कि दुख में पड़ जाता है, फिर याद करो कि अहम ब्रह्मास्मि, भगवद गीता का याद किया, सब कुछ याद किया, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मन में, सबकॉन्शियस में ये अपरा ज्ञान जो है सबकॉन्शियस तक नहीं जा रहा है, ऊपर ऊपर बैठा है, और सारा दुख, मनोराज्य, मनोराज्य माने हैबिचुअल थिंकिंग, ये कहाँ हो रहा है? गहरे में हो रहा है, गहरे में हो रहा है, ये आदत, वो वही आदत का क्षेत्र, उसके कारण दुख उभर उभर के बाहर आता है। तो आप ऊपर पड़ा, जितना सत्संग किया, कई सालों का सुना, कोई काम नहीं किया, तो अंदर जाकर अनकॉन्शियस माइंड, अब हिंदी में क्या कहते हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस नॉट अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस में हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर उसको सुधारना, ये शास्त्र का चिंतन का प्रभाव, प्रभाव उस पर डालने का प्रयास, नहीं तो वज्र रूपी वेदांत के द्वारा, वेदांत रूपी वज्र के द्वारा प्रहार करना, किस क्षेत्र में? लौकिक व्यवहार में, इसलिए हम कहते हैं ना, स्वामी जी बुखार आया ना आ नहीं सका, मेरा कोई किसी घर पे आ गया नहीं आ सका, और कैसे ऐसे हुआ नहीं आ सका, ना तो ना कोई दुख हो गया, मेरा मन नहीं था आज आने के लिए, कुछ कल रात को किसी हो गया, और कुछ भी नहीं है। जरा आप सोचोगे कि घर पे कोई किसी कोई गिर गया नीचे, उनका पैर पर चोट लगा और इसलिए मैं आ नहीं सका, तो उनके पैर पर चोट लगने से क्या आप लगातार घंटे घंटे भर के उसको काम किया क्या?
नहीं किया, मन नहीं लगा, कुछ करते कुछ नहीं, घर पे बैठ के यहां पे आने का आपको हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि यहां आने से मन वहीं आपको याद दिलाता है कि उनको छोड़ के आया, छोड़ के आया, छोड़ के आया। आप जाओगे वहां पूछेगा, वो आदमी पूछेगा क्यों आया, मैं तो ठीक हूं। ये क्या है? सबकॉन्शियस मन का खेल। उसको सुधारने के लिए तीसरा रूप का निधिध्यासन, एकांत स्थल में बैठना। और एकांत स्थल में बैठना, मोबाइल स्विच ऑफ करना, ईमेल इत्यादि दूर रखना, कोई साधन सामग्री के बिना एकांत में बैठकर आंख बंद करके निरंतर ध्यान उतारना है मन में। नमः शिवाय का जप करो, उतारना है। यू शुड फील। क्या कैसे उतारना है? मैं जब वेदांत का एक वाक्य लेकर सोचता हूँ, गहरे से सोचना पड़ेगा। मैं अपने आप में मुझे समझना है कि ये मेरे भीतर जा रहे हैं, ये सारे वाक्य भीतर जा रहे हैं। उस एकांत साधना निधिध्यासन का तीसरा रूप। आपको मैंने तीन बता दिया ना, तो निधिध्यासन का पावरफुल रिकलेक्शन ऑफ द शास्त्र तीसरा फॉर्म में बैठ के याद करोगे, बहुत पावरफुल रिकलेक्शन, सो दैट इट शुड इंपैक्ट द सबकॉन्शियस माइंड। ऐसे महात्मा लोगों का व्याख्यान है। तो तब क्या होगा? तो समाधि अभ्यास, तब एक जगह पे बैठकर सत्य पर ध्यान लगाना तदेक निष्ठा के साथ, वो निधिध्यास है। ठीक है। अब उस समाधि अविकल्पेना, सारे विकल्पों को अंत करना, निर्विकल्प समाधि। उस निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि माने पंचदशी के अनुसार निधिध्यासन रूपी अभ्यास के द्वारा निधिध्यासन में पराकाष्ठ को प्राप्त करके, उस अभ्यास के द्वारा यदा, जब ये अभ्यास के द्वारा अद्वैत आत्मदर्शनम, दूसरा लाइन, यदा समाधिना अविकल्पेना, अविकल्प निर्विकल्प समाधि के द्वारा अद्वैत आत्मदर्शन होता है। अद्वैत आत्मदर्शनम माने ज्ञान, अद्वैत ज्ञानम जब होगा, तब तदा, तदा क्या होगा? अज्ञान हृदय ग्रंथे निशेष विलय। अज्ञान हृदय ग्रंथि इज एन, हृदय ग्रंथि माने अज्ञानमेव हृदय ग्रंथि, अज्ञान हृदय ग्रंथि माने अज्ञान ही हृदय ग्रंथि है, सबसे पहला हृदय ग्रंथि माने अज्ञान अविद्या, ये अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि, ग्रंथि माने नॉट, हृदय उसको निशेष शेष रहे बिना विलय, ये सब विलीन हो जाता है। किसमें? अपने आप में, वो आप बाद में भी आके कहेंगे। सो अपने आप में आनंद अज्ञान हृदय ग्रंथे है निशेष विलय तदा, तदा माने यदा, यदा वेन समाधिना अविकल्पेन अद्वैत आत्मदर्शनम, समाधि अध्यास अभ्यास के द्वारा अद्वैत आत्मदर्शनम हो जाता है, तब ये अज्ञान ग्रंथि विलय हो जाता है। विलय माने विलीन, विलीन माने डिजॉल्व, निशेष माने शेष बिना, अज्ञान चला गया। यह है साधना। ठीक है। सो जब तक ये हमको ये हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आत्मज्ञानम आत्मदर्शनम आत्मज्ञानम, ये अज्ञान बनी रहेगा। ठीक है, बना रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट वन,
त्वमहमिदमितीयं कल्पना बुद्धिदोषात् प्रभवति परमात्मनि अद्वये निर्विशेषे प्रविलसति समाधावस्य सर्वो विकल्पो विलयनमुपगच्छेद्वस्तुतत्त्वावधृत्या त्वमहमिदमितीयं कल्पना बुद्धिदोषात् प्रभवति परमात्मन्यद्वये निर्विशेषे प्रविलसति समाधावस्य सर्वो विकल्पो विलयनमुपगच्छेत् वस्तुतत्त्वावधृत्या त्वम् अहम् इदम् इति इयं कल्पना बुद्धिदोषात् प्रभवति किसमें अद्वये परमात्मनि निर्विशेषे। अब देखिए मयौर मोर तोर तय माया जहि बस किन्ही जीव निकाया। कहाँ चरित रामचरित में आप तो एक्सपर्ट्स हैं सब लोग। ये क्या है डाइकॉटमी बोलते हैं डाइकॉटमी। डाइकॉटमी माने ड्यूअलिटी डिविजन। किसमें आरोपित हुआ परमात्मनि उसी परमात्मा में अहम मम भाव मैं और तुम भाव सारे विकल्प उत्पन्न हुए। देखिए त्वम माने आप तुम अहम मैं इदम ये इति इदम इदम माने ये ऑल दीज थिंग्स इति इयम कल्पना। कल्पना माने विकल्प एक सारे विकल्प हमने कल देखा है ना क्या है परमात्मा रूपी प्रकाश बुद्धि संपर्क में आने से बुद्धि में उसको बुद्धि चमकती है। वह बुद्धि ही जैसे स्वप्न में त्रिपुटी का त्रिपुटी सृष्टि करती है इसी तरह जागृत में भी त्रिपुटी की सृष्टि होती है। एक ही तत्व अनेक सा भिन्न सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में डिवाइड होकर दिखाते हैं यही बता रहा है। ये किस लिए दोष किस में हुआ बुद्धिदोषात्। बुद्धिदोषात् माने अज्ञान के कारण। विकल्प माने कितने हैं विकल्प सारे त्रिपुटियां ज्ञान अज्ञेय अज्ञाता प्रमाण प्रमेय प्रमाता ठीक है भोक्ता भोग्य भोग सारे त्रिपुटियां। इन सारे त्रिपुटियां प्रभवती बुद्धिदोषात् प्रभवती। बुद्धि मैंने अज्ञान अज्ञान के कारण ये सारे विकल्प होते हैं सारे दोष उत्पन्न हुआ प्रभवती किसमें परमात्मनि अद्वये। अद्वय अद्वय माने जहाँ पे जिसमें द्वैत नहीं है उस अद्वय परमात्मा में ये भावनाएं जागृत हो गई। किस लिए भैया बुद्धि दोष। सो हम सबका प्रॉब्लम क्या है बुद्धि में दोष है। सो बुद्धि दोष के कारण ड्यूअलिटी द्वैत का द्वैत की सृष्टि होती है। और समाधौ समाधि में
सर्वो विकल्पः प्रविलसति प्रविलसति। समाधि में ये सारे विकल्प लय हो जाते हैं। निद्रा में, जब निद्रा में चले जाते हो गहरे नींद में, क्या विकल्प है? क्या मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं न तो मैं पिता हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, मैं सबसे प्रेम करती हूँ, कोई नहीं प्रेम करता मुझे मुझसे, सारे विकल्प नींद में कहाँ चले गए? अपने आप में विलीन हो गए, टेम्पररीली, अस्थाई रूप से। जब समाधि में स्थाई रूप से, और सर्वो विकल्पः विलयनम उपगच्छेत, सारे विकल्प विलीन हो जाते हैं। किसमें? समाधि अनुभूति में। समाधि होने पर सारे विकल्प विलयनम उपगच्छेत वस्तु तत्व अवधृत्या। कैसे? वस्तु तत्व का अनुभव करने से। अवधृति माने धारण करके निश्चय करना, धृति माने धारण, धृत्या धारयते, धृति माने धारणम, भगवान शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं धृति माने धारणम, माने फर्मली विथ कन्विक्शन होल्डिंग ऑन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉन ड्यूअल रियलिटी। देखिए, आपका निश्चय यदि आप इस भाव में निश्चित रूप से बैठ गए, किस भाव में? कि मैं मनुष्य हूं। इस भाव में आप निश्चित रूप से बैठने से मत, जाति, कुल, वर्ण सारे भेद दूर हो गए कि नहीं? हो गए कि नहीं? मैं भी मनुष्य हूँ, सब मनुष्य हैं। सो मनुष्यत्व में इन सब का क्या हुआ? विलय हो गया, सारे भेद विलय हो गए। इन सब का जो भेद है वो भेद मनुष्यत्व में विलय हो गया। यदि आप निश्चित रूप से कन्विक्शन से कह सकते हैं कि मैं एक मनुष्य हूँ, माने सारे मनुष्यों को आप एक ही जैसे देखते हैं, है ना? विलय हो गए कि नहीं सारे? अब दूसरे मन में तुम ये हो, तुम इस जाति वाले हो, ये तुम इस प्रांत वाले हो, इस तुम देश वाले हो, ऐसे जो भावना उठती है, वैसे भावना, वैसे विकल्प आप में हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। क्यों? आपका निश्चय किसमर है? मैं मनुष्य हूं। और थोड़ा जाएंगे, मैं मनुष्य हूं माने फिर जंतु जाति है, जंतु है, वृक्ष है, वो भी है ना। और दूसरा एक कदम ले लेंगे, मैं प्राणी हूं। इसमें आप एक निश्चित रूप से अपने आप में बैठ जाते हैं, मैं एक प्राणी हूं भाई, मैं प्राणी हूं। तब क्या होगा? सारे जंतु भी आ गए प्राणी कोटि में, और सारे वृक्ष जाति भी आ गए। तो आप में वृक्ष जाति, पशु जाति, मनुष्य जाति का जो भेद है वो विलय हो गया। किसमें? हम सब प्राणी हैं। अच्छा, सो हम सब प्राणी हैं, और ये है ना फिर पत्थर, पहाड़, अचेतन वस्तु। तो अब जो हो गए, मैं चेतन वस्तु हूँ, एक अचेतन वस्तु मुझसे अलग है, वो भेद भी विलय होना है। किस में विलय होगा? सत्ता में, अस्तित्व में,
पहाड़ पेड़ पत्थर, पहाड़ पेड़ नहीं, पहाड़ पत्थर इत्यादि अचेतन वस्तु अस्ति, अस्ति माने अस्तित्व है, मैं भी हूँ, उस अस्तित्व माने एग्जिस्टेंस, उस अस्तित्व में ये जो भेदता अचेतन चेतन दोनों विलय हो गए। अभी आपका निश्चय किस्मर है, ये प्रश्न है। आप मूर्खवश जाति में फंस गए तो फिर कुले च्युति भयम, बत्रहरि कहते हैं कुल के साथ अपना तादात्म्य हो गया हो, च्युति का भय है। तो यहीं पे यही कह रहे हैं, समाधि में क्या हुआ, ये सारे भेद विलय हो जाते हैं। फिर कौन रह जाता है, अहम एवं, अहम एकम, मैं ही ये सब हूं, मेरा ही ये सब रूप है, उसमें विलय करना है। तो प्रविलसति समाधौ, समाधि माने जिस अवस्था में सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। सर्वे विकल्प विलयनम उपगच्छेत, कभी वस्तु तत्व अवधृत्या, उस वस्तु तत्व को सत्य को निश्चय रूप से जानकर उस सत्य में बैठने से, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, मेरा ही सब कुछ स्वरूप है, इस निश्चय में बैठ गए, आप किसी को कोई भेदभाव से देखते भी नहीं, ये नौकर है ऐसे भाव क्यों होता है, ये मैं अमीर हूँ, ये नौकर है मुझसे काम कर रहा है, उनसे काम लेना है इसलिए डांटती हूँ, व्यवहार में मृदुता आ जाती है, मृदुता, मृदुत्व, मृदु स्वरूप स्वभाव वाले बन जाते हैं। क्यों, ये भी प्राणी है मैं भी प्राणी हूं, इसका भी पेट है मेरा भी पेट है, भूख तो समान है। देखिए चांडालोस्तु सतो द्विजोस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम, मनीषा पंचकम, अद्भुत। तो ये भगवान शंकराचार्य ये कह रहे हैं, ठीक है। तब यह त्वम तू मैं, तू तू मैं ये सब जाना चाहिए अंदर, हम व्यवहार में ना इसका ये साइकोलॉजिकली हम ये सब इनको ऊपर भाग में रखते हैं। जितना भी आप श्रवण सुनो, शास्त्र सुनो, बाहर जाते ही ये सब ऊपर रखते हैं। छूटता नहीं, बहुत कठिन है, यू कांट बी सिंपल। कई बार जब मैं यहीं घूमता रहता हूँ अलग अलग काम पे, कहीं रहता हूँ आश्रम में, हमारे चिन्मय मिशन, वहाँ पे कुछ नौकर लोग होते हैं, मैं बोलता हूँ लिस्ट दो मेरे को कितने लोग हैं आश्रम में, स्वामी जी सबको देने की क्या जरूरत है, तो दे स्टार्ट टीचिंग मी, सबको देने की क्या जरूरत है, आपकी जो सेवा किया है एक दो लोग होंगे उनको दे दो। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं, इन लोगों को सेवा मौका मिला शायद उनको भी मैं बुला के सेवा के लिए कर काम में लगवाऊँ, वो भी सेवा करेंगे मेरी। हाँ, आपने नियुक्त किया कि इन दोनों, ये दोनों आपको, आप दोनों जाके स्वामी जी के कपड़े ढूंढो, धो लेना, स्वामी जी का कमरा साफ करना, स्वामी जी का देख लेना, बस तुम दोनों लगाया, उस दिन तो आश्रम में इन दोनों का यही काम था, और बाकी लोग मैं कहता हूं ऐसा नहीं होगा भाई, सबका नाम लेता हूं, किसी को छोड़ता नहीं, सबको देता हूं, कुछ ना कुछ सबको मिलना है, बराबर बराबर माने कभी ज्यादा देना है किसी को आवश्यक है तो दे देंगे, अलग बात है, मगर सबको मिलना चाहिए। और भेदभाव पैदा करते हैं कौन, बाकी लोग, मैं मानता नहीं हूं,
कभी कभी भूल जा भूल भूल माने जो लेते नहीं वो काम वाले नहीं होते हैं, कभी कभी स्टेशन या एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जो मेरे साथ आता है उसको दे देता हूँ पैसा, सबको बांटो जितने भी लोग हैं। तो सब में परमात्मा है, सबकी अपेक्षाएं होती है, सब में बेचारे छोटे छोटे नौकरी करके जी रहे हैं। भाई अमीर लोगों का भूख मिटती नहीं, गरीब लोगों का भूख वास्तविक है, तो किसका भूख मिटना है बताओ? वास्तविक भूख जो है उसको मिटाओ, ये लालच का भूख जो अलग है, और अपना भी भूख लालच का भूख ही है। देखिए इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, व्यवहार में भेदों को लाना नहीं चाहिए, कुछ कुछ चीज़ों में सब में समान। ऐसे मत कि एक ही दवा सबको दिया, ऐसी बात नहीं, वो रोग पर आधारित है। स्वामी जी ने कहा सबको समान रूप में देखना है, सबको गोली दे दिए घर में जितने भी है रोग है या न है मेरे लिए सब समान है, बराबर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा अकल भी लगाना है ना। तो माँ सबको बराबर देखती है बच्चों को, माने छोटे वालों को जो जो खा सकता है उतना वही खिलाएगी, जो अचार बड़ा हो गया तो अचार खिला देती है, चलो खाओ तो अचार खाओ, छोटों का अचार नहीं देगी, वो भी आंध्रा का अचार मर जाएगा बेचारा। मैं सबको बराबर देखती है ऐसे, माने जो भेद वहाँ पे जरूरी है उसको देखकर, भूख सबका आधार है, सबका भूख मिटाना ही लक्ष्य है, तो वहाँ पे सारे भेदों को माँ विलय कर देती, विलय माने डिजॉल्व करती है। ये साधना साधना हमको मैं मैं तुम भाव, क्योंकि आप कहते हैं व्यवहार में रखना चाहिए, अरे भैया प्रैक्टिस कहाँ करोगे? ओके, व्यवहार के बिना और कुछ जगत है कि आपके अभी आपके लिए? हाँ, तो सबसे बड़े प्रेम दिखाओ, प्रेम से व्यवहार करो, ठीक है स्वामी जी शास्त्र आप तो पढ़ा लिया, प्रेम मैं दिखाऊंगी अलग से एकांत में, किसके व्यवहार में तो दिखाना चाहिए ना। तो इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये सब त्वम अहम इदम इतियम कल्पना बुद्धि दोषात प्रभवति परमात्मनि, परमात्मा में अद्वैय परमात्मा में बुद्धि में दोष के कारण ही ये सारे भेद उत्पन्न होते हैं, वास्तव में अद्वैय परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो समाधि अभ्यास में ये सारे भेदों को खत्म करना चाहिए, तब परमात्मा का अनुभव होता है। शांतो दान्तः परमुपरतः क्षान्तियुक्तः समाधिम्, कुर्वन् नित्यं कलयत यतिः स्वस्य सर्वात्मभावम्। तेना विद्यातिमिरजनितान् साधुदग्ध्वा विकल्पान्, पता नहीं आप क्या पढ़ रहे हैं, गुड़गुड़ बोल रहे हैं, ब्रह्मा कृत्या निवसति सुखम निष्क्रियो निर्विकल्पः। Why don't you sing? It's in synchronization. Sara apna taal, raag apna, taal apna, sab lage hai. Chalo, try karenge dusre baar. Main aapki pariksha leta hoon. Shanto, nahi, main padhta hoon. Aap repeat karo baad mein. शांतो दान्तः परमुपरतः क्षान्तियुक्तः समाधिम्, शांतो दान्तः परमुपरतः क्षान्तियुक्तः समाधिम्,
कुर्वन् नित्यं कलयति यतिः स्वस्य सर्वात्मभावम्। तेना विद्यातिमिरजनितान् साधु दग्ध्वा विकल्पान्। ब्रह्माकृत्या निवसति सुखं निष्क्रियो निर्विकल्पः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।